गाइस फाइनली एप्पल ने यहाँ पर लॉन्च कर दिया है अपना ऑनलाइन स्टोर इंडिया के अंदर, जो बहुत अच्छी बात है। तो आपको अब कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, आपको जौन सा एप्पल का प्रोडक्ट चाहिए यानी जो नया भी प्रोडक्ट है वो भी आपको मिल जाएगा। तो हर कोई तो ख़रीद नहीं सकता भाई एप्पल का प्रोडक्ट। तो गाइस इस वीडियो में आपको सब कुछ बता दूंगा कि आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आप एप्पल के ऑनलाइन स्टोर से कुछ भी चीज़ खरीदोगे, और बता दूंगा कैशबैक ऑफर्स क्या हैं और बेनिफिट्स क्या मिलेंगे हमें और कैसे फ़ोन हमें ख़रीदना है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस बेल आइकन को दबा लेना। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। तो गाइस यहाँ पर आप साइट देख सकते हैं एप्पल के ऑफिशियल स्टोर की। तो आप देख सकते हैं कि एप्पल स्टोर ऑनलाइन इज़ नाउ ओपन। कोई सा भी एप्पल प्रोडक्ट हो आपको इस साइट पर मिल जाएगा। तो जो लेटेस्ट प्रोडक्ट्स अभी एप्पल के इवेंट में लॉन्च हुए थे, जैसे सीरीज 6 हुई, आईपैड एयर, और जो ऐप्स आएंगे आपको एप्पल वन के अंदर, और एप्पल वॉच जो थी उस एसी वाली वॉच, और ये सब आपको हर चीज़ आईपैड ये सब चीज़ें तक आपके लिए अवेलेबल हैं, आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो आप ऑर्डर स्टार्ट हुए 23 सितंबर से, लेकिन आपको जब मिलना शुरू होंगे वो अक्टूबर 1 के बाद से होंगे। तो अभी आप ऑर्डर कर सकते हो, तो अक्टूबर 1 के बाद से आपको आपका डिवाइस आपका फ़ोन मिल जाएगा। तो मैं आपको एक एक करके सब समझा देता हूँ कि आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे एप्पल स्टोर से आपको ऑर्डर करने के, क्योंकि भाई आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर रहे हो, अमेज़ॉन से कोई तो फ़ायदा होगा जब आप एप्पल के ऑनलाइन स्टोर से कर रहे हो। तो मैं आपको सब चीज़ें समझाता हूँ। देख सकते हैं आप नमस्ते यहाँ पर लिखा है जो वेरीफाई करता है कि हम इंडियंस के लिए है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला बेनिफिट मिलता है कि आप एक स्पेशलिस्ट जो एप्पल का मतलब एप्पल का एम्प्लॉय उसके अंदर काम करता है, तो आप उससे बात कर सकते हैं, शॉपिंग असिस्टेंट ले सकते हैं। यहाँ पर डिलीवरी फ़ी नहीं लगेगी, फ्री डिलीवरी यहाँ पर, और कोई कोई सी साइट्स होती हैं जो आपको फ्री डिलीवरी भी नहीं देती। यहाँ पर आप जौन सा ही पेमेंट ऑप्शन चाहो उससे पे कर सकते हो। तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, EMI, UPI, बाकी नेट बैंकिंग जितनी भी चीज़ें हैं आपके पास उसके हिसाब से आप पे कर लो। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है कि स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए ही बहुत अच्छा, और टीचर्स उनको डिस्काउंट मिल जाता है कुछ कुछ प्रोडक्ट्स पे। टर्न योर फ़ोन इनटू एन आईफोन, इसका मतलब ये होता है कि एप्पल का ट्रेड इन ऑप्शन होता है ये। यानी US में क्या होता है कि लोग पुराने फ़ोन्स को देकर यानी आईफोन्स को देकर नए आईफोन ख़रीद लेते हैं, अपग्रेड कर लेते हैं। तो ये US में बहुत मशहूर है फीचर कि लोग पुराना वाला मॉडल बेच के नया वाला पे अपग्रेड कर लेते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा जब हम फ़ोन बाय करेंगे। मेक योर ओन मैक, इसमें होता है कि आप अपना खुद का मैक कॉन्फ़िगर कर सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, जो एक बहुत ज़बरदस्त बात है। और यहाँ पर अगर आप एक नए इंसान हो जो नया फ़ोन लेना चाहता है, तो आप फ्री सेशन भी ले सकते हो एक एप्पल के पर्सनल सेशंस के साथ, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। और इसमें वीव गॉट यू कवर्ड, एप्पल केयर प्लस में होता है आपको एक तरह की इंश्योरेंस मिल जाती है आपके फ़ोन के साथ, कि अगर आपकी स्क्रीन टूटी या कुछ भी हुआ तो वो आपको पूरा फ्री टेक्निकल सपोर्ट देते हैं 2 साल का, और एक्सीडेंटल डैमेज हो गया उसका भी आपको कवर दिया जाएगा। और ये सपोर्ट इज़ ऑन कॉल और चैट, तो आपको एप्पल का फुल सपोर्ट दिया जाएगा, जो बहुत अच्छी बात है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको प्रोडक्ट ख़रीदना कैसे है, बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए जल्दी से। तो एप्पल का स्टोर है, सबसे पहले हमें साइन इन करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एप्पल आईडी की ज़रूरत होती है। तो बता दूँ कैसे होता है, तो आप साइन इन के ऑप्शन पर यहाँ से जा सकते हो, या बैग दिख रहा है आपको, जो भी डिटेल्स हैं आपकी वो आपको डालना पड़ेंगी, वो मैं बताता हूँ आपके आपकी एप्पल आईडी बनने के लिए। तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इंडिया, डेट ऑफ बर्थ, एग्जांपल, और पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, और ये सब आप डाल के यहाँ पर कंटिन्यू कर दो और आपकी एप्पल आईडी बन जाएगी। अब हम देखते हैं कि हमें फ़ोन कैसे ख़रीदना है और हमें कैशबैक और ऑफ़र्स क्या क्या मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो आईफोन्स की सेक्शन में हम जाते हैं, आईफोन ख़रीदते हैं। तो मैं ख़रीदूँगा भाई iPhone 11 Pro Max, क्योंकि भाई असलियत में तो अभी ख़रीद नहीं सकते, आगे ख़रीद लेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं iPhone 11 Pro की तरफ। iPhone 11 Pro हम यहाँ पर ख़रीदेंगे, तो यहाँ पर आपको सब दिखा देगा कि भाई iPhone 11 Pro है। हम सिंपली अब बाय पे क्लिक कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो iPhone 11 Pro Max, तो आपको 26% डिस्काउंट मिलेगा। या अगर आप ट्रेड इन करोगे, ट्रेड इन वाला ऑप्शन वही बताया मैंने एक्सचेंज वाला, आपको येस पे करना है तो येस कर दो, लेकिन आपको यहाँ पर पिन डालना पड़ेगा, क्योंकि वो आएंगे आपका फ़ोन दूसरा लेंगे जिसके बदले में आपको आईफोन दिया जाएगा। तो मैं यहाँ पर नो पे क्लिक कर दूंगा, और EMI के भी ऑप्शन दिए हुए हैं, आप 9486 रुपये में भी उठा सकते हो EMI के साथ। और 11 प्रो आपको कौन सा डिस्प्ले वाला मॉडल चाहिए, आपको 11 प्रो मैक्स ख़रीदना है तो आप उसके साथ जाओ, और चारों कलर्स अवेलेबल हैं यहाँ पर, स्पेस ग्रे, सिल्वर, और उसको चूज़ कर लो। कैपेसिटी 512 GB, सीधा 512 GB के साथ हम जाएंगे, ठीक है ना। आपको एप्पल केयर प्लस चाहिए नहीं, तो उससे क्या होता है ये स्पेशल आपको फ़ीस देना पड़ती है, जिसके साथ आपको स्क्रीन डैमेज और सर्विस ये सब फ्री मिल जाती है। तो अच्छी चीज़ है अगर आप जाना चाहते हो उसके साथ, तो हम वैसे ख़रीद तो नहीं रहे लेकिन जाते हैं इसके साथ, ठीक है ना। तो ऐड कर दो यहाँ पर आप उसको, और कैशबैक ऑफर्स मैं आपको बताता हूँ उस पर क्या है। तो यहाँ पर आपको 6% कैशबैक, तो आपको HDFC बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है उसके साथ आपको 6% कैशबैक मिलता है अप टू 10,000 रुपीज़।
तो अगर आप कोई भी ऑर्डर करते हो 20,000 से ऊपर का तो, और ऑर्डर करते हो HDFC कार्ड का क्रेडिट कार्ड लगा के, तो आपको 10,000 रुपये ऑफ मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि इसका जो ऑफ़र है वो 16 अक्टूबर को एंड हो जाएगा। एक कार्ड से एक चीज़ ऑर्डर कर सकते हो और मैक्सिमम कैशबैक और 10,000 रुपये का मिलेगा। तो आप ये सब चीज़ें चेकआउट कर सकते हो और यहाँ पर आपको सिंपली ऐड टू बैग करना है और 1 से 3 दिन में घर पे आपके आईफोन आ जाएगा। लेकिन ये बात ध्यान रखना, अभी 1 तारीख के बाद से ये फ़ोन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस अब बात करते हैं प्राइस ड्रॉप की। तो प्राइस ड्रॉप जो है वो इंडिया में अभी सेम ही रहेगा आईफोन्स का। अभी रीसेंट मंथ्स में ही इंडिया के अंदर प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है आईफोन्स का, तो इतनी जल्दी हम प्राइस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ड्रॉप हो। लेकिन इतनी बात है कि प्राइस ज़रूर ड्रॉप होगा। अभी बहुत परेशानियाँ चल रही कंपनी के साथ, कभी लो डिमांड की प्रॉब्लम आ जाती है, कभी मैन्युफैक्चरिंग की प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए शायद अभी तक आईफोन 12 भी लॉन्च नहीं हुआ। तो आप वेट कर लो, मैं यही कहूँगा थोड़ा, क्योंकि अभी जब ये चीज़ आगे थोड़ा और बढ़ेगी इंडिया के अंदर तो हमें ज़रूर प्राइस ड्रॉप देखने को मिलेगा अच्छे अच्छे आईफोन्स पर, आईफोन 11 पर, आईफोन 11 प्रो, आईफोन 11 प्रो मैक्स, इन सब पर। और आईफोन 12 भी एक्सपेक्टेड है कि अक्टूबर में लॉन्च होगा, मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं रिसर्च में, तो देखते हैं अब क्या होता है। लेकिन आप अगर आईफोन ख़रीदने का सोच रहे हो, थोड़ा और यार इस कोरोना वायरस इस चीज़ को निकल जान दो ताकि कंपनी थोड़ी स्टेबल हो पाए, तो हमें ज़रूर प्राइस ड्रॉप देखने के लिए मिलेगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर देना वीडियो को और शेयर कर देना इस वीडियो को अपने आईफोन लवर्स के साथ, उनको बताते हुए कि भाई एप्पल का ऑनलाइन स्टोर आ चुका है। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।